एकदम पुरानी हवेली जैसा दिखता है। ये पुरानी हवेली है विमान, राजा के मरने के बाद उसके परिवार वालों ने इसे होटल बना दिया। तुम कुछ भी कहो विवेक, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। था वो आदमी, पता नहीं कहां गया। हेलो, यही पे था, गायब कहां हो गया? अरे क्या हुआ? हा? कुछ परेशान से लगते हो। आप लोग इतने घबराए क्यों लग रहे हो? अभी अभी हमारे गाड़ी से कोई टकराया। कहां गया वो? पता नहीं, यही पे गिरा था, अचानक से गायब हो गया। अरे गायब हो गया जी? मेरे ख्याल से आप लोगों का कुछ वहम हुआ होगा। अरे पापा, ऐसा ही हुआ है, वो आदमी मरते मरते बचा है। अब मुझे लगता है आप लोग थके हुए लगते हैं। संगर भाई, काम करो, किसी लड़के को बोलो और गैस का सामान अंदर ले आओ। आप आइए आइए, मेरे साथ आइए आइए आइए। और भी कोई रहता है या फिर हम ही रहते हैं? ओ, ऐसे कैसे? मतलब है ना, एक हस्बैंड और वाइफ है। वो क्या कि सीजन नहीं है ना, इसीलिए। वैसे छुट्टियों में बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये वही कपल है, मुंबई से आया है। हेलो, आई एम अक्ष। इवान। हाय मीरा। आई एम लावण्या। मीरा, चलो। एक्सक्यूज, चलो चलते हैं। चलो, लावण्या कहाँ रह गई? लावण्या, लावण्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पे। वहाँ पे क्या? कौन है? सफेद साड़ी में वहाँ एक औरत खड़ी है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। अभी अभी तो यही थी। लगता है ना तुम ज्यादा थक गई हो। चलो अंदर, चलो आ जाओ। बोल, पूछ मत यार, यहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आत्माओं के गांव में ही आ गए हो। माल का होटल है यार, पानी भी नहीं रखा है कमरे में, फोन करो तो फोन नहीं उठा रहे। कौन हो तुम? मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चल, बाय।
कौन है वो? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। चौकीदार हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर गेट पे खड़े रहो ना। मैं गेट पर नहीं जा सकता। क्यों? जी यही की देखभाल करने की, नहीं तो वो आ जाएगी। हमेशा बंद रहता है, कैसे कोई अंदर जा सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा है। मैं यहाँ फोन पे बात कर रही थी, तब मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो मैं यहाँ तक आ गई। मैंने देखा सामने एक आदमी एक औरत को मार रहा था। अरे उस कमरे में कोई जाता ही नहीं है, अब अगर यकीन ना हो तो आओ मेरे साथ, देख लो आप पूरी, आओ मेरे साथ। आओ, देखा है ना लॉक? फिर एक बार देखो, है ना लॉक? अब तो यकीन आया आपको? ये कह रही है ना, तो एक बार अंदर देखिए। मैडम इसकी परमिशन नहीं है मुझे। यहाँ होटल में आते ही पहले एक एक्सीडेंट, फिर आत्मा, और अभी खुद। मैं कह रही हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ है इस होटल में, कोई तो मुझे समझने की कोशिश करो। बचाओ, बचाओ, बचाओ! सीआईडी को फोन करता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ मुझे, क्या? हाँ, फोन तुमने किया था? जी मैंने फोन किया था, मेरा नाम विवान है। विवान सर, हुआ कौन है? पता नहीं सर, हम अंदर थे, एक चीख सुनी तो हम सब लोग बाहर आ गए। हमने देखा कि ये आदमी ऊपर से गिर रहा है, और एक औरत भी थी वहाँ पे। औरत थी? जी। कौन थी वो औरत, जानते हो तुम? पता नहीं सर, हमने तो उसे नहीं देखा। काजल जाओ ऊपर जाके देखो, ये तो ये कह रहे वहां पर एक औरत थी, जाओ जल्दी। ये मैनेजर कौन है आप? सर मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, कणव नाम है मेरा। आप जानते हो उस औरत को? सर मैं तो मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं उस औरत को। आप में से किसी ने उस औरत को देखा है? सर उस औरत ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। क्या, उस औरत ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे? हाँ सर, ऐसा लग रहा था जैसे वो
आत्मा हो? अरे नहीं नहीं, कोई आत्मा आत्मा नहीं होती, समझे? वही औरत है जिसने इस आदमी को धक्का दिया। बात बताइए, ये आदमी आदमी कौन है? आपके होटल में था, आप जानते हैं इसे? नहीं नहीं सर, मैं नहीं जानता इसे। कमाल है सर, ये आदमी यहाँ होटल में आया, इसका खून भी हो गया, कोई इसे जानता नहीं। इसके जेब में से कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं है, बेचारा जेबें खाली करके मर गया। मतलब आत्मा ने इसे मारने से पहले पूरा लूट लिया। बस फिलहाल देखने से तो ये लग रहा है कि ये आदमी ऊपर से गिरने से ही मरा, इसकी काफी हड्डियां भी टूट गई। चीखने की आवाज तो सुनी है सबने, मतलब गिरने से पहले ये आदमी जिंदा था। अरे सिर्फ मरने के लिए यहाँ पे आया था? यहाँ किसी से पूछो तो कहते हैं कुछ मालूम ही नहीं। सब मालूम है सर इन्हें, सब छुपा रहे हैं पीछा छुड़ाने के चक्कर में। सर हाँ, क्या बात है? सर मरने से पहले मैंने इस आदमी को देखा था। देखा था? ये कह रहा था कि अगर ये होटल की देखभाल नहीं करेगा तो वो आ जाएगी। कौन कौन आ जाएगी? पता नहीं। अरे तुमने पूछा नहीं इससे? पूछा था लेकिन बताया नहीं। तुम्हारे होटल के सारे गेस्ट और स्टाफ यहीं पर हैं? जी सर, सभी लोग यहीं पे हैं। सर सर, एक गेस्ट नहीं है। एक गेस्ट नहीं है? सर एक औरत जो इसी के साथ थी सर। कौन थी तुम्हारे साथ? सर ईरा, आज उसे बहुत जरूरी काम निकल आया इसीलिए आज ही मुंबई चली गई। कल रात को यहाँ पर एक खून होता है और बस तुरंत ही ईरा को काम निकल आता है बाहर जाने का। है? अच्छा बहाना है खून करके भागने का। सर हाँ, मुझे तो ये लगता है कि ये खून उसी औरत ने किया होगा। कल रात सर होटल में एक और खून हुआ था। एक और खून? जी सर, होटल का जो महारानी कमरा है उसमें मैंने खून होते देखा था। किसका किसका खून हुआ? सर मुझे ये तो नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ शैडो देखा था। सर मैं थोड़ा बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ। सर तो क्या है कि आत्माओं की बातें बहुत हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है सर। क्या अजीब सा लग रहा है? अब ये जी मचल रहा है सर। टांगे कांपने लगी तुम्हारे? नहीं नहीं सर, टांगे नहीं कांप रही है सर। तो फिर जाके चुपचाप खड़े हो जाओ। सर खून वून का चक्कर होता तो मैं खूनी को चुटकी में पकड़ लेता हूँ, लेकिन सर यहाँ तो आत्माएं खून कर रही है और लाशें गायब है। चुपचाप जाके खड़े हो जाओ नहीं तो। सर जाके इस होटल का महारानी कमरा अच्छी तरह से देखो। ठीक है सर। यहाँ का महारानी कमरा देखो। एक और बात, क्या जब मैंने खून होते देखा था तब मैंने कुछ चप्पलों की आवाज भी सुनी थी। चप्पलों की आवाज? जी सर, कुछ चरचर करके कुछ आवाज हो रही थी। तो तुमने उस आवाज का पीछा किया? जी सर मैंने पीछा किया लेकिन अचानक वो आवाज बंद हो गई। अचानक आवाज बंद हो गई? होटल के मालिक कौन है? सर विक्रमादित्य नाम है उनका, लेकिन वो अक्सर यहाँ नहीं रहते, कभी कभार ही आते हैं दो चार साल में। बस आसान के एक मिनट। क्या है? ये देखो इसके पैर के नाखूनों में लाल रंग की मिट्टी लगी है। लाल रंग की मिट्टी? सर हाँ, ये मिट्टी तो कुश्ती के अखाड़े में मिलती है। कुश्ती के अखाड़े की लाल रंग की मिट्टी? तो ये आदमी कुश्ती के अखाड़े में से आया होगा। अभिजीत महारानी कमरा जाकर देखते हैं दया को क्या मिला है। सर यहाँ पे कोई आता जाता नहीं, काफी दिनों से बंद है ये कमरा। वो तो मैं दिख रहा है, तुम यही रुको हम लोग देखते हैं। यस सर। ये देखो सचिन, पैरों के निशान, लगता है यहां पे हाथापाई हुई है। लड़की लावण्या सच बोल रही थी,
सर अगर ये लावण्या सच बोल रही है तो यहाँ आसपास हमें लाश और खून के छींटे भी मिलने चाहिए सर। चलो आसपास देखते हैं। लावण्या ठीक कह रही थी सर, यहाँ पे कमरे में जगह जगह पे हाथों के और पैरों के निशान है सर। कुछ खून वगैरह के निशान? नहीं सर। तो सर ये उस कमरे से ये बीज मिला है सर। ये कैसा बीज है? सर ये बीज कोल्हापुरी चप्पल बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। चप्पल में कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे? सर इसे बिंज भी कहते हैं और ये चप्पल के सोल के बीच में डालते हैं। चलते वक्त इसकी आवाज जो है वो चर चर ऐसे निकलती है और इसकी आवाज की वजह से वो सांप वगैरह जो है वो भाग जाते हैं सर। मतलब सर खूनी कोल्हापुरी चप्पल पहने हुए था। खून करने के बाद जब हंगामा मचा होगा तो भागा होगा और भागते वक्त ये बीज चप्पल में से निकल के गिर गया। लेकिन सर ऐसे कैसे कोई इस कमरे में जा सकता है? ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है। अगर ये कमरा हमेशा बंद रहता है तो फिर कहां से आ गया ये बीज? वो हमेशा बंद रहता है। चप्पल बाजार में जाके पता लगाओ कौन कौन बनाता है ऐसी आवाज करने वाली चप्पल। यहाँ पर बहुत कम दुकानें हैं जिसमें बीज वाली चप्पलें बनती हैं। अगर कोई चप्पल बनाने आया भी होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है सभी दुकानों में पूछते हैं पता चल जाएगा। सर सुनो ये आपके यहाँ किसी आदमी या औरत ने चप्पल बनने के लिए दी है क्या जिसमें ये बिंच भी बीज लगता है सोल में? आप लोग कोल्हापुर में नए हो क्या सर? हाँ क्यों? अच्छा इसलिए नहीं मालूम क्योंकि ऐसा भी सिर्फ आदमियों के चप्पल में पड़ता है औरतों के नहीं। भाई ये तो हमें मालूम नहीं था लेकिन आपने ऐसी चप्पल बनाई है क्या? जी हाल ही में मेरे पास एक चप्पल आई थी ऐसे ठीक करने के लिए। किसने दी थी ठीक करने के लिए? जी एक औरत आई थी मैडम। कौन थी वो औरत? ये तो मुझे पता नहीं लेकिन आज वो वापस आने वाली है। अच्छा ठीक है हम लोग इंतजार करते हैं आज उससे मिल के ही चलेंगे समझे। क्या कर रहे हो? बेवकूफ बना रहे हो क्या? इतने देर से हम लोग वहाँ खड़े हैं कहीं ऐसा तो नहीं वो औरत आई और चली भी गई हो? नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता वो सच में नहीं आई है यहाँ पे। सर लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया है इसलिए वो नहीं आई। एक काम करो वो चप्पल हमें दो जो वो बनवाने के लिए आई। हो जाएगा।
तुम्हारे उस्ताद से मिलना है। क्यों, क्या काम है उस्ताद से? वो हमारे इस पहलवान को कुश्ती लड़नी है। क्या बात कर रहे हो सर, मुझे क्यों फंसा रहे हो? हड्डी पसली एक कर देंगे। ठीक है ठीक है, तुम्हारे उस्ताद से कहो कि CID आई है मिलने। ठीक है। बोलो सर, हम लोग एक गार्ड के बारे में पूछताछ करने आए। कैसी पूछताछ? आप इस आदमी को पहचानते? जरा ध्यान से देखो, आप में से किसी ने देखा इस आदमी को यहाँ पे? नहीं नहीं साहब जी, मैंने देखा है। देखा है? हाँ। कौन है? हमारे यहाँ एक मेंबर है, प्रैक्टिस के लिए आता है, ये उसका नौकर है। नाम क्या उस मेंबर का? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, कहीं ये वही विक्रमादित्य तो नहीं जो होटल राज पैलेस का मालिक है? या बसा, अपन बसा, मैं विक्रमादित्य साहब सामने। अरे क्या हुआ कौशल, कौन है ये लोग? हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आता हूं। कहिए ऑफिसर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उस पैलेस के मालिक आप ही है ना, जो अब होटल बन गया, होटल राज पैलेस? क्या हुआ विक्रमादित्य साहब, आप चुप क्यों हो गए? नहीं, मैं उस होटल का मालिक नहीं हूं। विक्रमादित्य साहब, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, वो आज गर्मी है ना, पसीना आ रहा है। आपकी असलियत सामने आ गई है, इसलिए भला इसी में है कि जो कुछ भी है सच सच बता दो। हाँ साहब, मैं ही उस होटल का मालिक हूँ। अब आए ना लाइन पे, तो फिर तुम्हारे मैनेजर करम ने हमसे झूठ क्यों बोला? उसने क्या बोला? वो तो कह रहे थे कि आप इंडिया में है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं। पता नहीं ऐसा उसने क्यों कहा। पता तो आपको सब कुछ है, मगर आप सब लोग मिले हुए हो, एक के बाद एक खून हो रहे वहाँ पे, और आप लोग झूठ बोल के उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये उस बुरी आत्मा का ही काम है, उस औरत की आत्मा ही ये खून कर रही है। कोई आत्मा आत्मा नहीं है, वो छुप के खून कर रहा है। नहीं सर, आत्मा ही है, बहुत दिनों से वो यहाँ पर रह रही है, इसलिए डैडी उस होटल को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। उसी पैलेस ने हमारा जीना हराम कर रखा है, जिसकी वजह से हम यहाँ आकर रह रहे हैं। इसलिए मैंने अपने मैनेजर को कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं यहाँ पे नहीं हूँ। ये कहानियां सुना के कुछ होने वाला नहीं है, आत्मा आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो जिस जिसने उस आत्मा को देखा उनका क्या? वो आत्मा नहीं थी, कोई औरत है जो खून कर रही है, और हम भी जानना चाहते कि वो कौन है। मेरा यकीन करो सर, मुझे वाकई कुछ पता नहीं। आप इस आदमी को तो पहचानते होंगे ना? ये तो भुलवा है, हमारा नौकर। सर इसे क्या हो गया? ये तुम्हारे होटल के छत से गिर के मर गया। जरूर उस बुरी आत्मा ने इसे मार दिया होगा। ये आत्मा का तुनतुना बजाना बंद कर दो, खूनी वहां पैलेस में छुप के बैठा है, वहीं बैठ के खून कर रहा है वो। खूनी को तो हम ढूंढ लेंगे, जब तक तहकीकात पूरी ना हो जाए आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। चप्पलों पे निशान देखा आपने, पैरों के निशान? कुछ अजीब सी है। निशान हमें पहले क्यों नहीं दिखा? शायद चप्पल के बीच के चक्कर में हम लोग ध्यान नहीं दे पाए सर। एक मिनट, ये निशान कुछ अजीब नहीं है? हाँ, ये इसके बाएं पैर के चप्पल में 1, 2, 3,
चार, पांच, पांच उंगलियों के निशान है और दाएं पैर के चप्पल में सिर्फ एक, दो, तीन, चार, सिर्फ चार निशान है। तो मतलब वो जो खूनी है उसके दाहिने पैर में बीच की उंगली है ही नहीं। मगर सर, विक्रमादित्य के घर में उसकी बीवी के पैर तो एकदम ठीक ठाक थे, मैंने खुद देखा सर। तुम उसके बीवी के पैर देख रहे थे? हाँ सर, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, सुराग ढूंढना मेरा काम है। पैरों में तब सर, कहीं होटल में से तो कोई नहीं है, स्टाफ में या गेस्ट में से कोई? एक होटल के स्टाफ में तो कोई औरत है नहीं, बाकी जितने लोग हैं उनमें से किसी के भी पैर की उंगलियां कटी हुई नहीं है। फिर ये औरत है कौन? ये वही औरत है विवेक, जिसे सबने क्लॉक टावर पे देखा था। सर, सिर्फ चप्पल के पीछे कहीं कहीं ये पेंट लगा हुआ है। चप्पल पे पेंट का निशान? अब एक बात तो साफ है, खूनी के दाहिने पैर में एक उंगली है नहीं और उसके कोल्हापुरी चप्पल पे पेंट लगा हुआ था। कहां फंसा दिया मुझे दया सर ने, उन्हें मालूम है कि मुझे आत्माओं से डर लगता है, फिर भी सीआईडी का थोड़ी ना काम है आत्माओं को पकड़। कभी कभी दया सर कमाल ही कर देते। नहीं सर, बच्चे आपकी बहादुरी के इतने बड़े फैन है और आप। वो आ रही है, वो आ रही है। कोई बात नहीं सचिन, भाग के जाएगी कहां, कल देखते हैं। चलो दरवाजा तो बंद था जब हम लोग ऊपर गए, अपने आप कैसे खुल गया? अंदर चल के देखिए सर। सर यहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा, लगता है किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की है। We'll be right back.
कॉन्फिडेंशियल फाइल तो खाली है सर. लगता है फिर ये चोर यही चुराने आया था. मगर ऐसा था क्या इस फाइल में? एक काम करो, जरा मैनेजर को बुलाओ. हेलो मैनेजर साहब. हाँ 203 में आइए प्लीज जल्दी. सचिन वो चोर जो कोई भी था वो हमारा यहां से हटने का इंतजार कर रहा था और जैसे हम उस सफेद साड़ी वाली औरत के पीछे भागे वो यहां इस कमरे में घुसा और इस फाइल के अंदर जो कुछ भी था वो चुरा के भाग गया. सर आप लोग यहां मतलब क्या हुआ क्या? हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि ये कमरा किसका है? ये तो सर हमारे मालिक विक्रमादित्य साहब का स्टडी रूम है सर. क्यों? कोई तो है जो यहां पर आया था और इस कॉन्फिडेंशियल फाइल के अंदर जो कुछ भी था उसे चुरा के भाग गया. आप जानते हैं कि इस फाइल में क्या था? जी नहीं सर मुझे नहीं मालूम. ये कमरा तो हमेशा बंद ही रहता है ना? बंद रहता है? जी जी जी. इस कमरे की चाबी किसके पास रहती है? वो सर वो हाँ संग्राम के पास रहती है. जरा बुलाओ ये संग्राम को जल्दी. नहीं नहीं सर वो क्या है कि वो दो दिन से आया ही नहीं है सर. संग्राम दो दिन से आया नहीं? जी जी जी. संग्राम से बाद में मिलते हैं, पहले विक्रमादित्य साहब से मिलते हैं, पता तो चले कि इस कॉन्फिडेंशियल फाइल में था क्या. ये तो तय हो गया कि चप्पल पे पेंट यहीं से लगा है. अब उसके बाद वो या तो इस तरफ से गई होगी या फिर इस तरफ. इन होटल वालों ने साफ सफाई करके सारे निशान मिटा दिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा ही है. ठीक से चेक करो, ध्यान से देखो. कौन हो सकती है लड़की? होटल में तो इतने गेस्ट है ना, तो फिर ये लड़की कहीं वो तो नहीं जो खून होने के बाद मुंबई चली गई थी? हो सकता है सर, है ना? सर बोलो उस अक्ष को, बोलो. गला घोट के मारा इसको. एक मिनट
संभालिए अपने आप। आप तो कह रहे थे कि ये मुंबई चली गई है, तो फिर यहाँ कैसे है? पता नहीं सर, मगर ये तो कह के गई थी मैं मुंबई जा रही हूँ करके। एक मिनट रुकिए प्लीज। आप आते सचिन को बैठा प्लीज। आप बाहर प्लीज 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 आइए। सवाल अपने B098। ये नंबर तो होलसेल वाले डालते हैं ताकि पता चले ये बोरी किस दुकान पे जाएगी। एक काम करते हैं, इस दुकान पे चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। अरे इसमें तो वसीयत थी, किसने चुराई वसीयत? वसीयत? कैसी वसीयत? वो अब छुपाओ मत, बताई दो कैसी वसीयत थी वो। सर इस पैलेस का मैं अकेला मालिक नहीं था, कोई और भी पार्टनर था इसमें। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? अब ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बोलिए। विक्रम अब जो होना था वो तो हो गया, बता ही दो सच्चाई। उस रात में वही था जब एक्सीडेंट हुआ था। मतलब ये आत्मा का चक्कर, ये सब आप ही कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, विक्रम ने कुछ नहीं किया था, वो तो ये वसीयत वहाँ छुपाने गए थे जो अब चोरी हो गई है। ये दूसरा हिस्सेदार कौन है इस पैलेस में? सर आज तक मैं उसे कभी नहीं मिला, ना मैंने उसे देखा, लेकिन मैं जानता था कि वो इस पैलेस का आधा मालिक है, आधा भाई है मेरा, और वो आने वाला है। वो आने वाला है, ये आपको कैसे पता चला? सर एक दिन एक वकील मेरे पास आया, उसने कहा कि इस वसीयत का आधा मालिक आने वाला है, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले इस पैलेस को बेच दो। इसलिए घबरा कर आप ये वसीयत पैलेस में छुपाने के लिए भागे क्यों? जी हाँ सर। अच्छा आपके अलावा और कौन जानता था कि आपने ये वसीयत वहाँ पैलेस में छुपाई है? नहीं सर, कोई और नहीं जानता था। तो फिर ये वसीयत चुराई किसने? कौन है वो जिसे इस वसीयत के बारे में मालूम था? शॉप नंबर देखिए सर, देखिए सर ये वहां आगे बात। थैंक यू। अरे सुनो भाई जरा। भाई साहब ऑर्डर हो तो दो दिन रुकना पड़ेगा, मारा मारी चल रही है यहाँ ऑर्डर के लिए, पहले से 50 ऑर्डर पड़े हुए हैं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? आप जरा ये गनी बैग देखिए और बताइए आपकी दुकान क्या है ना? देखिए साहब हम टैक्स वगैरह पहले से पूरा भर लेते हैं, हम गलत काम कभी नहीं करता। हाँ ठीक है ये देखो जरा, गलत काम नहीं करना चाहिए। हाँ हमारे यहाँ से माल भर के गया है साहब जी, एक औरत आई थी राज पैलेस से, 10 किलो कांदा लेकर भर के गई थी यहाँ से। कौन लेके गया? आप उनको नहीं मालूम? सर राज पैलेस में तो कोई भी औरत काम नहीं करती स्टाफ में, तो फिर गौर कर दी। सर वो जो भी थी वो कह रही थी कि एक कांदा मुंबई की किसी गेस्ट को चाहिए। मुंबई के किस? कौन कौन सा गेस्ट, कुछ बताया उसने? आप उनको नहीं मालूम साहब, मगर एक बात सही, वो मुंबईया हिंदी बोल रही थी। सर ऐसा लगता है सर कि ये खूनी कोई मुंबईया लड़की ही है जो गेस्ट में से है, क्योंकि स्टाफ में तो कोई लड़की है ही नहीं। और एक बात सर, उसने कहा उसे संग्राम ने भेजा है, वो उंगली कटा। संग्राम की उंगली कटी हुई है ना? हाँ सर। संग्राम तो दो दिन से आया नहीं, तो फिर उसने किसे भेजा? सर ये सारे फसाद की जड़ तो संग्राम ही लगता है, उससे पूछते हैं, वही बताएगा सारा मामला क्या है। देखो ठीक है सब, पूरी छुट्टियों का मजा ही खराब कर दिया यार, इससे अच्छा तो यही होता कि हम आते ही नहीं। हाँ यार
यहाँ आके खून के झमेले में और फंस गए। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सीआईडी वाले जल्द से जल्द अपनी इंक्वायरी पूरी करें और हम यहाँ से निकल जाएं। वैसे हम लोग भी घबराए हुए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पे। अब किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, खूनी का पता चल गया है क्या सर? हाँ? कौन है खूनी सर? हम भी देखना चाहते हैं उसे। सबर करो, सबको दिखाया जाएगा। लेकिन कब सर? कल तक खूनी को सबके सामने लाया जाएगा। पर सर, आप उसे आज क्यों नहीं ला सकते? हमें गवाह का पता चला है जो खूनी को अच्छी तरह से जानता है, मगर वो गवाह हमें कल मिलेगा और फिर गिरफ्तार कर लेंगे खूनी को। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तक बहुत देर हो जाए और खूनी भाग जाए? सीआईडी के हाथों से आज तक कोई भागा है? जो ये खूनी भागेगा। बताएगी सीआईडी को मेरे बारे में? तू बताएगी? क्रम तू? पूरे सीआईडी को बोला मेरे बारे में? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो तुमसे भी नहीं थी विवान कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। रुक जाओ, रुक जाओ, वरना ये जान से हाथ धो बैठेगा। ऐसे तो बहुत बार जान से हाथ धो बैठे, समझे? अब जरा आंखें खोल के आसपास देखो, किसके बीच खड़े हो तुम? क्यों, होश उड़ गए? एसीपी साहब, मैं तो होश में हूं, लेकिन लगता है आप लोग होश में नहीं हो। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। दया, दया क्या करते हैं? संग्राम की जान बचाते हैं या मार देते हैं? नहीं सर, ये भी तो गुनहगार है। अगर इसे मारता है तो मारने दो, हमारा क्या जाता है। मगर सर, अगर विवान संग्राम को मारेगा तो इस विवान का क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। यार, तुम वाकई में विवान को गोली मार दोगे? हाँ सर, अगर ये संग्राम को नहीं छोड़ेगा तो मैं मार दूंगा। अरे भाई दया, देखो तुम मेरे सामने गोली मत मारो। मुझसे किसी को मरते हुए नहीं देखा जाता। मैं चला जाऊं फिर गोली मार। मगर दया, एक बात है, तुम तो एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर हो। अगर तुमने इसकी जान ली तो ये बहुत बड़ा गलत काम होगा। और एक बात दया, आज तक तुमने बहुत जाने ली है और मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। हाँ, बचा दस गए वहां, एक और सही सर, क्या फर्क पड़ता है?
चुप, रोने का नाटक बंद कर और बताओ क्यों मारा तुमने उस भाले वाले को और हीरा को? बोल सर, वो उन दोनों को संग्राम और मेरा प्लान पता चल गया था सर। कैसा प्लान? वो होटल राज पैलेस का आधा मालिक मैं भी हूँ। अच्छा, होटल राज पैलेस के आधे मालिक तुम हो? हाँ, मगर वो विक्रमादित्य पूरा होटल हड़प करना चाहता था और ये मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने संग्राम को साथ लेकर उसे थोड़े से पैसे खिलाकर अपने साथ ले ली और उसे सफेद कपड़े पहनाकर मैं होटल में घुमाया करता था ताकि आत्माओं की डर से होटल बदनाम हो जाए और कोई भी इसे खरीद भी ना ले, है ना? मैंने विक्रमादित्य को संदेश भेजा था कि इस होटल का आधा मालिक आ चुका है और विक्रमादित्य ने घबरा कर वो वसीयत होटल में छुपा दी जिसे तुमने बड़ी चालाकी से चुरा ली। जी, अगर तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे गले का फंदा बन गई, अगर अगर तुम हीरा को उस गनी बैग के टुकड़ों से नहीं मानते तो शायद कुछ दिन और बच जाते। सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बाजी मार्केट में इसे मेरा नाम लेने के लिए कहा था और उसी के वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। जायदाद की लालच में तुमने दो दो खून किए, दो दो खून। वसीयत भेज दूंगा जेल में, उसे अपने सिर के नीचे रखकर सोते रहना आंसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।